उत्तर प्रदेश के जनपद मुरादाबाद में आज जिला कांग्रेस कमेटी ने उत्तर प्रदेश में मदरसों को असंवैधानिक रूप से बंद करने व जुर्माना लगाने के विरोध में एक ज्ञापन जिलाधिकारी महोदय को दिया, जिसमें कहा गया कि मुजफ्फरनगर जिला प्रशासन द्वारा 12 मदरसों को नोटिस भेजा गया है कि अगर वो तुरंत बंद नहीं हुए तो प्रतिदिन 10,000 रुपए का शुल्क लिया जाएगा। शिक्षा विभाग सहित किसी को भी मदरसा मामलों में हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं, केवल अल्पसंख्यक विभाग ही ऐसा कर सकता है। शिक्षा विभाग द्वारा गैर कानूनी नोटिस के जरिए मदरसों को निशाना बनाया जा रहा है। कई मदरसों को ये नोटिस मिले हैं जिनमें मदरसों को तत्काल प्रभाव से बंद न करने पर 10,000 रुपए प्रतिदिन जुर्माने का आदेश है, जो असंवैधानिक है। बीजेपी सरकार के गैर कानूनी आदेश पर रोक लगाकर शिक्षा का राजनीतिकरण रोका जाए, इसी को लेकर के मोहम्मद अहमद ने कहा कि मजहब के नाम पर, धर्म के नाम पर मदरसों को टारगेट नहीं किया जाए। भारतीय जनता पार्टी तमाम मोर्चों पर विफल हो गई है। विफल होने के बाद अब वह मदरसों को टारगेट करके ये साबित करना चाहती है कि वो मुस्लिम विरोधी है। इसी संदर्भ में आज हमने महामहिम राज्यपाल को ज्ञापन भेजा। 1995 में ये नियम बना है कि स्कूल की और मदरसे की तालीम अलग अलग है, उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं की जाएगी। उसके बावजूद भी अगर सरकार इसमें हस्तक्षेप करती है तो ये मुसलमान का उत्पीड़न है। अगर मदरसों के खिलाफ उत्पीड़न होगा तो अल्पसंख्यक कांग्रेस और पूरी कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश में सड़कों पर आएगी और धरना प्रदर्शन करेगी। मुरादाबाद से परवेज अंसारी की रिपोर्ट। मेरा नाम मोहम्मद अहमद है और मैं वाइस प्रेसिडेंट हूँ उत्तर प्रदेश अखिलेती सूबे में। आज अल्पसंख्यक कांग्रेस उत्तर प्रदेश की तरफ से एक कार्यक्रम पूरे उत्तर प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों पर किया जा रहा है, और जो ज्ञापन हमने महामहिम राज्यपाल महोदय को दिया है, उस ज्ञापन में हमारी ये मांग है कि अभी हाल ही में मुजफ्फरनगर में 100 मदरसों को चिन्हित किया गया और 12 मदरसों को बाकायदा नोटिस देकर ये कहा गया कि अगर ये 12 मदरसे बंद नहीं हुए तो इन्हें 10,000 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से इन पर जुर्माना पड़ेगा। तो हमने आज उसके विरोध में यहाँ ज्ञापन दिया है कि मजहब के नाम पर, धर्म के नाम पर मदरसों को टारगेट न किया जाए। भारतीय जनता पार्टी तमाम मोर्चों पर विफल हो गई है और विफल होने के बाद अब वो मदरसों को टारगेट करके ये साबित करना चाहती है कि वो मुस्लिम विरोधी है, वो धर्म के आधार पर कार्रवाई कर रही है। इसी संदर्भ में आज हमने ज्ञापन महामहिम राज्यपाल को भेजा है। जी देखिए, ये सारी चीज़ें आप जानते हैं, अवैध कोई भी एक चीज़ नहीं हो सकती। धर्म के आधार पर किसी को आप अवैध घोषित नहीं कर सकते। मैंने आपको बताया कि 1995 में बाकायदा ये एक नियम बना, अधिनियम बना, विनियम बना कि स्कूलों की और मदरसों की जो तालीम है वो अलग अलग है, उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं की जाएगी। उसके बावजूद भी अगर धर्म के आधार पर या मजहबी हमारी जो तालीम हो रही है, दी जा रही है, उसमें सरकार हस्तक्षेप करती है तो ये सीधे सीधे मुसलमानों का उत्पीड़न है। हाँ, अभी ये विधिवत सूचना नहीं मिली है, लेकिन चर्चा है कि नोटिस वापस हो गया है। लेकिन हमें जो निर्देश मिला है, अगर मदरसों के खिलाफ उत्पीड़न होगा, मदरसों के खिलाफ साजिश होगी, तो अल्पसंख्यक कांग्रेस और पूरी कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश में सड़कों पर आएगी, धरने प्रदर्शन करेगी, मुजाहरे करेगी और सरकार से मांग करेगी, और हर संभव जो हो पाएगा हम मदरसों के साथ खड़े हैं। देखिए, मदरसा कोई अवैध नहीं होता है, कोई भी धार्मिक संस्थान अवैध नहीं होता है, कोई भी आश्रम अवैध नहीं होता है, कोई भी चर्च अवैध नहीं होता है, कोई भी गुरुद्वारा अवैध नहीं होता है। वहाँ पर एक धार्मिक शिक्षा दी जाती है, धार्मिक तालीम दी जाती है। सिर्फ एक मजहब के किसी संस्थान को टारगेट करना ये साजिश है।